नवी मुंबई के नेरुल इलाके में आगरीकोली भवन में मरकज़े फलाह नेरुल की 25वीं सालगिरह मनाई गई बड़ी धूम से। इस मौके पर मरकज़े फलाह द्वारा यहां पर मुशारे के कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया था। मरकज़े फलाह द्वारा यहां पर हुनहार बच्चों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मरकज़े फलाह की इस सिल्वर जुबली कार्यक्रम में नवी मुंबई की गई जानी मानी हस्तियां भी शामिल रही, जिसमें सुल्तान मालदार, नवी मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय कुमार, एक्स एमपी संजीव नायक के साथ साथ कई बड़ी दिग्गज हस्तियां भी शामिल रही। इस मौके पर आए हुए मान्यवरों ने मरकज़े फलाह द्वारा 25 सालों में किए गए कामों की सराहना करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। संजय साहब सबसे बड़ी जो मूवी है जिसका आप देख रहे हैं, मेरा और संजय साहब का ताल्लुक 40 साल से रहा है और मेरी दुनिया में संजय साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन और जो आज मैं इस मकान पे हूँ संजय साहब की बदौलत है। अल्लाह ने संजय साहब को मेरे लिए जरिया बनाया और जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है और जहाँ तक अदारों का ताल्लुक है, संजय साहब कई अदारों से मुंसलिक है। कोटक बैंक के फाउंडर है और कोटक कम्युनिटी को जो आज एक रुतबा मिला है, एक जमाने में कोटकियों को कमतर समझा जाता था, आज जो कोटक की कम्युनिटी को एक बड़ा रुतबा और एक दर्जा मिला है वो संजय साहब की देन है। तो उनका जो है बहुत बड़ा काम है, उनके काम पर खुलने जाएंगे तो पूरी रात और कई सफात पर उनकी तारीफ होती जाएगी। और संजय साहब नई मुंबई में आने के बाद दारा जो कायम थी जिसका नाम मरकज़े फलाह, जैसा उन्होंने बताया सेंटर ऑफ वेलफेयर, तो ये वेलफेयर की बुनियाद संसार में डाली और एजुकेशन को अपलिफ्ट किया और हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। संसार काबिल मुबारकबाद है, मेरी दिल काबिल मुबारकबाद है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनकी सरपरस्ती को, उनके एल्डरनेस को हम पर कायम रखें। मैं मजा तो खुद मेरी पूरी फैमिली उनकी हमेशा से जो गुजार रहेगी इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। मरकज़े फलाह, सबसे पहले मैं मरकज़े फलाह के 25वें वर्षगांठ पे उनको शुभेच्छा देता हूँ। जो काम वो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। एक कहावत है कि यदि किसी को आप मछली देते हैं तो आप एक दिन में वो खा लेता है, लेकिन यदि मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो जिंदगी भर उसके काम आता है। उसी तरह से एजुकेशन का संबंध है, यदि आप किसी को एजुकेट कर देते हैं तो फिर आप उसको करने की कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। तो मरकज़े फलाह जो ये काम कर रहा है टू एजुकेट द पीपल, ये और वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, तो एक बहुत बड़ा काम अपने समाज के लिए कर रहा है। उनके लिए मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे समती साहब हैं, उस्मानी साहब हैं, ये आदमी भी बहुत अच्छे हैं। सो एक मानवता का भी स्वरूप इस और मानवीय जो संबंधों का है उसका भी इसमें एक समावेश है। और इस सब के कारण ये 25 वर्ष से उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। संस्था का 25 साल बहुत ही लंबा समय तय करके संस्था यहाँ तक आई है, खासकर जिन बच्चों के लिए जिनको जरूरतमंद थी एजुकेशन में, ऐसे सभी बच्चों को पिछले 25 साल से संस्था ने बहुत बड़ी सेवा की है। खासकर अलियाम शमशी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत जरूरी होता है समाज में कि कोई तो अपने पीछे आए, कोई तो अपने को सपोर्ट करे। मैं उनको शुभकामनाएं करता हूँ और मरकज़े फलाह जिस तरीके से यहाँ तक पहुंची है, अभी 25 साल पूरे हुए हैं, अगले 25 साल में और अच्छी तरह से आगे बढ़कर और ज्यादा लोगों की सेवा करे, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। हमारे अलियाम शमशी साहब अभी 90 साल के हैं, उनको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि और 10 साल आपको चलना है ताकि आपको सेंचुरी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, तो मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ और उनका काम जो है ये सिर्फ 25 साल का यही इधर का नहीं है, ये 70 साल का उनका पूरा काम है। 25 साल के मरकज़े फलाह को जो है पूरे हुए और इसमें जो है बहुत से जो है बच्चे जो हैं, बहुत से जो है फैमिलीज जो हैं जुड़ गई इसमें
और इसका जो है जो भी इसका जो तरक्की हुई, जो भी इसके जो फ्लाईओवर का काम हुआ, इसमें पूरा का पूरा जो है योगदान जो है जो पहले से लेकर अभी तक जो लोग इसके साथ जुड़े थे उन सबका है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और आगे इस तरह और भी काम बढ़े आगे इसकी जो है शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छा काम है संशय साहब को, मतलब मुझे लगता है जितना हम लोगों ने यहाँ सुना इससे ज्यादा करते रहते हैं। एजुकेशन का मतलब ये एजुकेशन पे, हेल्थ पे नाजिम भाई है, ये लोग सुबह शाम दिन रात मतलब हर आदमी के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी तकलीफ हो कोई भी मुसीबत हो, और मरकजी फला को और भी काम करना है और इसको और बहुत आगे लेके जाना है। आज 25 साल हुए हैं, 25 साल की मुबारकबाद नाजिम भाई को और खुशी साहब को और एक पूरी टीम को, और इसको और अच्छे से आगे ले जाने के लिए हम लोग सब मिलकर सब काम करें। अभी तो 25 साल में जितने लोग पास हुए वो सब बच्चे इसके साथ जुड़कर और आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कामयाबी जो है सिर्फ मेरी नहीं है, कितने अफराद इस मरकज फलाह निरूल के काम में लगे रहे, सबकी हिस्सेदारी इसमें है। ये अजीब इदारा रहा कि जहाँ आपने 25 साल की बात जहाँ सुनी, 25 सेकंड का भी झगड़ा आपको यहाँ 25 साल में नज़र नहीं आया। काम करने का यह तरीका जो है मेरा ख्याल है हमारे लिए नहीं बल्कि बाकी इदारों के लिए भी रोशनी बनेगा कि इदारे इस तरह चलते हैं और इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है उसको। तुमची इच्छा अशी आहे की मी मराठीत बोलावं, पण मी शिक्षण झालं माझं मराठीत, पण थोडासा योग्य बोलू शकत नाही, पण माझा सदैव हा विचार राहिला की माणूस हा सर्वप्रथम माणूस आहे, माणसाने माणसावर प्रेम केलं की सर्व भानगडी म्हटल्या, त्यानिमित्ताने सातत्याने मी इथे काम करतो, सर्व समाजातल्या लोकांना एकत्रित आणून मरकजे फलाच्या स्थितीवर बसवतो, त्यांचे विचार ऐकून घेतो, आपले विचार त्यांच्याकडे पोहोचवतो, त्याच्यामुळे एक नवीन विचारसरणी आमच्या नेरूळला तयार झालेली आहे। आमच्याकडे आता ती सांगण्याची इच्छा नव्हती, पण अशा एक राजकीय पार्टीच्या ऑफिस उद्घाटनासाठी मला बोलवलं गेलं आणि मी गेलो तेथे। तुम्ही आलात का, तुम्हाला काय आश्चर्य वाटतं, तुम्ही बोलवलात का? बोलवण्यासाठी कदाचित तुम्ही येणार नाही, काय येणार नाही, माणसं इथे जमणार आहे, माणसाकडे बोलायचं आहे आणि माणसाने माणसाचे विचार ऐकले तर त्याच्यातून जे निष्पन्न होणार आहे ती माणुसकी निष्पन्न होणार आहे, त्यासाठी मी आलेलो आहे। मी संधी दिली तुम्हाची, चार शब्द बोललो, मी ये बात याद रखो, इंसान जो है ये उसका पैदा करने वाला एक है, इसलिए ये आपस के सारे झगड़े जो है किसी को भी सुख नहीं दे सकते, सब में मिलजुल कर रहना चाहिए, यही मेरा पैगाम है और यही काम मैं कर रहा हूँ 25 साल से यहाँ भी है। थैंक यू।